तो अभी अभी एक न्यू इन्फॉर्मेशन सामने आया है जो कि है TVS रोनिन के बारे में। और ये जो रोनिन वाला बाइक है ना, तो ये इसी 6 जुलाई को लॉन्च होने वाला है, अभी कुछ यही कहा जा रहा है। और उसके ही साथ ये जो बाइक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला बाइक होने वाला है, क्योंकि भाई इस वाले बाइक के अंदर हमें जो इंजन देखने को मिलने वाला होगा ना, तो वो एक 225cc वाला इंजन देखने को मिलने वाला होगा। और बाकी तो वीडियो को पूरा देखते रहो, क्योंकि आज के इसी वीडियो के अंदर हम लोग इसी न्यू TVS रोनिन के बारे में जानने वाले हैं कि इसके अंदर हमें क्या कुछ पावर फीचर्स देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकुर कर्मकर, आप देख रहे हो कर्मकर अंकुर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो अभी अभी एक न्यू इन्फॉर्मेशन सामने आया है जो कि है TVS रोनिन के बारे में। और अभी के डेट में कहा कुछ यही जा रहा है कि ये जो रोनिन वाला बाइक है ना, तो ये इसी 6 जुलाई को लॉन्च होने वाला है इसी इंडियन मार्केट में। और इसके अलावा ये जो रोनिन बाइक है ना, तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला बाइक होने वाला है TVS कंपनी की तरफ से, क्योंकि भाई ये जो बाइक है ना, तो अभी के डेट में बोला कुछ यही जा रहा है कि ये रोनिन वाला बाइक एक रेट्रो स्टाइल वाला बाइक होने वाला है, जो कि क्रूजिंग सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और ये जो TVS रोनिन है ना, तो इसके बारे में कहा कुछ अभी यही जा रहा है कि इसी बाइक के अंदर हमें एक सिंगल सिलेंडर वाला 225cc वाला एक इंजन देखने को मिलेगा। और इसके अंदर हमें जो मैक्सिमम पावर देखने को मिल सकता है ना, तो वो है 20 bhp। और इसके अंदर हमें जो मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल सकता है, तो वो है 20 Nm। और इसके अलावा इसी बाइक के अंदर हमें 5th speed का मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलने वाला है। और इसके अलावा इसी बाइक के अंदर हमें सामने USD फोक्स और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलने वाला है। और उसके ही साथ साथ ये जो बाइक है ना, तो इसके अंदर हमें डिस्क ब्रेक के ही साथ साथ इसी बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम में डुअल चैनल ABS का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। और उसके ही साथ साथ इस वाले बाइक का ही अभी आज से कुछ ही दिनों पहले हेडलाइट वाला जो पार्ट है, तो वो ही अभी मतलब रिवील हुआ था, जो कि आप लोग अभी देख ही सकते होंगे वीडियो के अंदर। और उसके ही साथ साथ इसी बाइक के अंदर हमें भी एक न्यू मीटर कंसोल देखने को मिलने वाला है, जो कि अभी बोला कुछ ऐसा ही जा रहा है कि अगर कॉस्ट कटिंग करता है तो सेमी डिजिटल वाला, अगर कॉस्ट कटिंग नहीं करता है तो वो पूरे तरीके से एक डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर हमें TVS का स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी से लेके और भी कई तरह का कुछ चीजें देखने को मिलने वाला है, मतलब कि जो नेविगेशन, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, तो ये सारा कुछ सिम भी देखने को मिलने वाला है, मतलब यही कुछ अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इसके ही साथ साथ इसी बाइक का भी जो लाइट्स का सेटअप जो रहने वाला है, तो वो भी अभी एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि वो पूरे तरीके से LED के अंदर में होने वाले हैं। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।